कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी के खिलाफ डबल मर्डर मामले में गैर जमानती वारंट जारी। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बरेली के बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 31 साल बाद NVW जारी किया है। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपी आंवला के बजरुद्दीन, भुत्ता के नरेश और बदायूं के जगदीश को जेल भेज दिया गया है। ये आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने किया। पप्पू गिरधारी एक ऐसा नाम है जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। 31 साल पहले बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन से इलाके में जैन दंपति की निर्गम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अज्ञात में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की छानबीन के बाद इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के नाम सामने लाए, जिनमें एक नाम गिरधारी लाल साहू और पप्पू गिरधारी का भी था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में नामजद 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं अब इस बहुचर्चित मामले में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी समेत 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने कई बार पप्पू गिरधारी को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया, लेकिन पप्पू गिरधारी किसी भी तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए। ADGC क्राइम सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के कई बार रिमाइंडर देने के बाद जब पप्पू गिरधारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पप्पू गिरधारी के खिलाफ NVW जारी किया गया है। इधर सामने देखा, क्या नाम है, किस पद पे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे ADGC क्राइम के पद पे हूँ। नाम क्या है? सुनील कुमार सिंह। सुनील, जानना चाहेंगे जो गिरधारी लाल साहू उस पप्पू गिरधारी का मामला है, आप उसमें सरकारी वकील जी और केस की देख रहे हैं, क्या मामला है कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से? ये एक हत्याकांड का मुकदमा है और सत्र परीक्षण संख्या 123/92 धारा 302 थाना कोतवाली किला बरेली का ये मुकदमा है। इसमें 11 लोग मुलजिम हैं और ये लोग बहुत लंबे समय से न्यायालय में नहीं आ रहे थे ताकि मुकदमा डिसाइड ना हो। माननीय न्यायालय ने इनको कई बार आदेशित किया है व्यक्तिगत रूप से न्यायालय हाजिर होने के लिए, इसके बावजूद भी ये लोग नहीं आए। 5/8/2021 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र आया बजरुद्दीन, जगदीश शरण, नरेश कुमार व गिरधारी लाल साहू की तरफ से वारंट निरस्त कराने हेतु, गैर जमानती वारंट निरस्त कराने हेतु। 3 लोगों का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अभियुक्त बजरुद्दीन, जगदीश शरण व नरेश कुमार को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। गिरधारी लाल साहू पप्पू के प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता ने बल नहीं दिया, नॉट प्रेस कर दिया और वो प्रार्थना पत्र नहीं सुना गया, वो माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अग्रिम तिथि इसमें 20/8/2021 नियत कर दी गई है माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। कोर्ट ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट कब जारी किया था? ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है वारंट। कल क्या हुआ है? कल इनके खिलाफ जो पूर्व में गैर जमानती वारंट था उसी आदेश को अग्रिम तिथि के लिए वो आदेश प्रभावी हुआ, गैर जमानती वारंट का आदेश। वहीं इस मामले में पप्पू गिरधारी के वकील अनिल भटनागर ने बताया कि पप्पू गिरधारी की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके, मगर कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर से दी गई अर्जी को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट में अभियुक्त वजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वारंट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई, मगर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। वहीं मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता कैबिनेट मंत्री से जुड़ा होने की वजह से पुलिस पप्पू गिरधारी को गिरफ्तार करने से बच रही है और कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया 100 न्यूज़ बरेली से ज्योति शर्मा के साथ इस्ता चौहान की रिपोर्ट।